आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। गया के गौतम बुद्ध महिला महाविद्यालय में गृह विज्ञान विभाग द्वारा 1 से 7 अगस्त तक चलाए जा रहे विश्व स्तनपान सप्ताह का समापन समारोह प्रभारी प्रधानाचार्य प्रोफेसर उषा राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन करते हुए गृह विज्ञान विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर प्रियंका कुमारी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्तनपान के लिए कदम, शिक्षा और सहयोग विषय पर प्रकाश डाला। डॉक्टर प्रियंका ने कुपोषण से बचने हेतु थाली में तिरंगे भोजन की जरूरत तथा मदर्स मिल्क बैंक से संबंधित विषयों पर जानकारी साझा की। तत्पश्चात जीव विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फरहीन वजीरे ने आंकड़ों को साझा करते हुए संपूर्ण लोगों को अब भी दूध नहीं पिलाने वाले दो बच्चों के बारे में बताया, जो अति चिंताजनक बात है। उन्होंने मां के शरीर में दुग्ध निर्माण की वैज्ञानिक प्रक्रिया को सविस्तार समझाया। डॉक्टर वजीरी की बात को आगे बढ़ाते हुए कॉलेज की जनसंपर्क अधिकारी सह अंग्रेजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी ने भी स्तनपान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और सभी लोगों को जागरूक करते हुए जानकारी साझा की। संगीत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नूतन कुमारी ने मां के दूध को अमृत बताते हुए नवजातों के लिए स्तनपान को आवश्यक बताया। वहीं प्रभारी प्रधानाचार्य सह अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर उषा राय ने दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य पर अपने विचार रखते हुए उनके भोजन में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन आदि पोषक तत्वों के अनिवार्य रूप से होने की बात कही है। उन्होंने भारतीय माताओं में एनीमिया की समस्या पाई जाती है ये बात कही। वहीं आपको बता दूं कि नागमती कुमारी ने भी माँ का दूध सर्वोत्तम आहार विषय पर अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम में अर्थशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नगमा, दर्शन शास्त्र विभाग की डॉक्टर जया एवं डॉक्टर पूजा, इतिहास विभाग की डॉक्टर अनामिका एवं डॉक्टर कृति, विज्ञान संकाय की डॉक्टर शिल्पी, डॉक्टर बनीता एवं डॉक्टर रुखसाना, अंग्रेजी विभाग की डॉक्टर पूजा के अलावा मोनिका, तान्या, रिया आदि अनेक छात्राएं यहाँ पर उपस्थित थी। वीक मना रहे हैं और इसमें कई एक प्रोग्राम्स हो चुके हैं। आज होम साइंस डिपार्टमेंट ने भी एक इसका आयोजन रखा है, जिसमें कि हम हमारी जो बच्चियां हैं वो भावी माताएं हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वो लोग बहुत अपने मतलब एडल्टहुड में प्रवेश करने के पहले वो थोड़ा अवेयर हो जाएं कि हम लोग, बिकॉज आगे का जनरेशन तो यही लोग होल्ड करेंगी, तो इन लोगों को ये बताना ज़रूरी है। लेकिन जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग की तो बात करते हैं, बट हम मदर के हेल्थ की बात नहीं करते हैं, मदर के न्यूट्रिशन की। अनलेस एंड अनटिल मदर को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बच्चों को भी वो अच्छा दूध नहीं पिला पाएंगे या भरपूर दूध नहीं पिला पाएंगे। तो ये हम सब का कर्तव्य बनता है, हर घर का, कि जो हमारे यहाँ माताएँ हैं जो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं उनके न्यूट्रिशन का पूरा फैमिली खास करके ध्यान रखे और कम से कम 2-3 बार रोज़ाना प्रोटीन इनटेक हो, कैल्शियम इनटेक हो, आयरन इनटेक हो, जिससे कि हम लोग स्वस्थ बच्चे भविष्य को दे सके अपने देश को। धन्यवाद। माय नेम इज़ डॉक्टर उषा राय, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। स्तन सप्ताह का विश्व स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं, उसके तहत में आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है जिसमें बच्चों का भी प्रोग्राम है, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं भी अपने बातों को रखेंगे। और हमारा उद्देश्य बस यही है कि लोगों को जागरूक करना कि स्तनपान क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ स्तनपान कराने के लिए माँ को किसी और का एफर्ट का ज़रूरत नहीं है। वो क्या करती हैं, बस माँ और बच्चे, यहाँ कोई बॉटल फिटिंग की बात नहीं हो रही है, तो भी क्यों नहीं हो पा रहा है। अभी भी हमारे यहाँ 50% कुपोषण क्यों है, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट के प्रॉब्लम्स बढ़ ही रहे हैं। हमारे यहाँ कुपोषण का दर अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ है। अगर हम एनएफएचएस 4 का भी डेटा, अभी तो 5 का डेटा भी आ गया, जिसमें अभी भी हमारे यहाँ कुपोषण खास करके जो स्टंटिंग है वो बहुत ज़्यादा है। और ये कंट्रोल तभी होगा अगर हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे जाएंगे, मीन्स 6 माह तक केवल माँ का दूध और कुछ भी नहीं, इवन शहद या पानी भी नहीं। और 2 साल तक 6 माह के बाद ऊपरी आहार बच्चे को दिया जाए और 2 साल तक माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार। और मैं तो कहती हूँ कि मैं क्या, ये यूनिसेफ और WHO का डेटा ही बताता है कि जीवन के 1000 दिन बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 1000 दिन जो प्रेगनेंसी का 9 मंथ और उसके बाद का 2 साल, कि अगर इस समय बच्चों का ख्याल रखा गया, अगर माँ का दूध के साथ साथ ऊपरी आहार सही मात्रा में दिया गया,
तो बच्चे कोई कुपोषण के कगार पे पहुंचेंगे ही नहीं, सारे बच्चे हमारे स्वस्थ होंगे, ना स्टंटिंग, ना वेस्टिंग, ना अंडरवेट के बच्चे हो पाएंगे। कार्यक्रम कितने दिन से चला जा रहा? सर, एक सप्ताह का कार्यक्रम है, 1 से 7 अगस्त तक चलाया गया, जिसमें बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा क्विज कॉम्पिटिशन हो गया, पोस्टर मेकिंग या फिर वो स्लोगन्स ऐसे, ये सब करा करके हम लोग। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।